चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के खबर की। तो पटना जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 24 अप्रैल को दानापुर और मनेर में वोटिंग होगी। दोनों प्रखंडों के 2,32,000 मतदाता 493 बूथों पर वोट देंगे। प्रशासन ने मतदान के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। चुनाव कर्मियों को 23 अप्रैल को बूथों पर योगदान देना है। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुनी जाती है और इसे बेहतर और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। पटना के 23 प्रखंडों में 27,160 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 6 पदों के लिए वोटिंग होने वाली है, जिनमें जिला पार्षद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया और पंच के पद शामिल हैं। इसी को लेकर पटना के डीएम ऑफिस में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पटना में ज्वेलर रविकांत मर्डर मामले में जिला प्रशासन ने आज मुआवजा राशि उसके परिजनों को सौंप दी। इस मौके पर रविकांत की पत्नी भावुक हो गई। डीएम के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,00,000 रुपए की मदद दी गई। आपको बता दें कि जनवरी में बुद्धा कॉलोनी इलाके में दुकान खोलते समय रंगदारी की मांग को लेकर ज्वेलर रविकांत की निर्मम हत्या कर दी गई थी। नहीं, हमको तो नहीं लग रहा था, बाकी हाँ सोच, अब कल गए आए ना तो बोले ना कि हाँ मिल जाएगा, तुम लोग अथी नहीं करो, बड़ी दौड़ धूप की हो से तुम लोग को मिल जाएगा। तो ये डीएम साहब के सहयोग से मिला, क्या कहेंगे डीएम साहब को? डीएम साहब के थैंक यू करेंगे और कैसे कहेंगे। कुछ दिनों पहले पटना में एक हत्या हुई थी रविकांत जी की, और उसी हत्या के जो पीड़ित परिवार है उनको आज हम लोगों ने 4,00,000 रुपया मुआवजा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और मुख्यमंत्री राहत कोष से ये 4,00,000 रुपये का चेक हम लोग को प्राप्त हुआ है और ये आज पीड़ित परिवार में पत्नी को और उनके पुत्र को उपलब्ध करवाया गया है। इससे इस परिवार को काफ़ी मदद मिलेगी। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद नवादा के आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर लिया है। बिहार शरीफ के महिला थाना ने आज बिहार शरीफ के सिविल कोर्ट में विधायक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। और अब बात करते हैं जी मीडिया के खबर के असर की। तो नक्सली धमकी के बाद पटना रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था में कोताही की खबर दिखाए जाने के बाद रेल प्रशासन हरकत में आया और स्टेशन परिसर की सुरक्षा को बढ़ाया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह पटना स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये तस्वीर आज दोपहर की है, लेकिन हम आपको सुबह की तस्वीर भी दिखाते हैं। और उस तस्वीर को दिखाने के बाद ही प्रशासन हरकत में आया और उसने सघनता से पटना जंक्शन पर ये जांच अभियान चलाया और मुस्तैदी से जांच की गई। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो आज सुबह की है। पटना रेलवे स्टेशन को ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी के बाद आज जब जी मीडिया की टीम ने पड़ताल की तो पाया गया कि यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम तक नहीं है। सुरक्षा कर्मी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। कोई भी व्यक्ति बेरोक टोक स्टेशन परिसर में आ जा रहा था, लेकिन जब हमने खबर दिखाया तो प्रशासन फिर हरकत में आया और फिर हमारे इस खबर का असर भी दिखा। हम लोग उस लेटर के जेन्युइननेस जो है उस पर भी जांच कर रहे हैं और सतर्कता भी हम लोग बढ़ा दिया है और पुलिस हमारे सतर्क हैं। न केवल पुलिस, आरपीएफ के भी जवान हैं, उनको भी हम लोगों ने सतर्क किया है। जिला के एसपी साहब हैं, उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराएंगे और भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एक तो होता है जो मेरा पुलिस है, स्निफर डॉग है, डीएफएमडी है और डीप सर्च मेटल डिटेक्टर है, उससे हम लोग जांच कराते हैं। जो भी आने जाने वाले हैं उनको हम लोग ये करते हैं। जो भी सर्कुलेटिंग एरिया है वहां कुछ प्लांट नहीं हो उसको हम लोग देखते नजर में रखते हैं। उधर किशनगंज एसपी राजीव मिश्रा ने किशनगंज सीओ रमण कुमार सिंह सहित 5 सरकारी कर्मियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। दरअसल वीरेंद्र कुमार चौहान नाम के एक व्यक्ति ने सीओ सहित 5 कर्मियों के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिसे पुलिस जांच में बिल्कुल सही पाया गया। जांच के बाद एसपी ने सीओ रमण कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार पांडे, सतीश कुमार दास, प्रधान लिपिक आशीष कुमार, अंचल सहायक दुर्गानंद ठाकुर के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।
वहीं गिरफ्तारी आदेश जारी होने के बाद से पांचों आरोपी फरार हो चुके हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा जांच के क्रम में जो अंचल कार्यालय के दस्तावेज हैं उसमें काफ़ी हेर फेर पाया गया था। साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया गया था, उसके आधार पर अंचल कर्मियों की जो मिली भगत पाई गई थी दस्तावेजों में हेर फेर करने, अंचल अधिकारी और अन्य जो अंचल कर्मी हैं जो उस दस्तावेज के रख रखाव में जिम्मेदार होते हैं उनके मामले सच पाए गए। गिरफ्तारी के लिए क्या प्रोसेस? गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया, सभी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।